बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लबका किचन। और आज जो रेसिपी रमज़ान के लिए मैं आपके लिए बनाऊंगी, मैं बना रही हूँ दही फुल्की आलू चाट। बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अफ्तारी के टाइम पे आपको मज़ा आ जाएगा। तमाम रेसिपीज की तरह अगर मेरी ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू और मज़ेदार रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिल सके और आप रेसिपीज इन्जॉय कर सकें। तो चलिए मज़ेदार सी ये चाट बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आलू है बॉईल एक कप, एक कप है हमारे पास फुल्कियाँ रेडीमेड, ये भी हमने पानी गर्म पानी में डाली थी तो ये फूल गई। आधा कप है बारीक कटा हुआ खीरा, दो अदद है प्याज बारीक कट की हुई, पापड़ी हसब ज़रूरत, बंद गोभी आधा कप, एक कप है दही वाली हरी चटनी, इसमें हमने हरी चटनी मिक्स करी है। टमाटर है हमारे पास दो अदद बारीक कटे हुए, धनिया पुदीना है दो दो टेबल स्पून, इमली की चटनी है 2 टेबल स्पून, और ये होममेड बनी हुई है। आप भी चाहें तो घर वाली यूज़ कीजिए, नहीं तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास एक काली मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून, चाट मसाला है 1 टेबल स्पून और नमक है 1/2 टीस्पून। एक बॉल लेंगे और इसके अंदर हमने इसमें डाल देने हैं सबसे पहले बॉयल पोटैटोज़, और इसके साथ ही इसमें हमने ऐड करने हैं हमारे पास जो थी फुल्कियाँ, और इसके बाद इसमें आपने डाल देना है जी बारीक कटी हुई प्याज। और आपने सिर्फ इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सिर्फ सब मिक्सअप होंगी, आपने पहले से ही रेडी करके रखनी है। और अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए हमारे पास जो थे खीरे, और खीरा ऐड करने के बाद आपने इसमें अब डाल देनी है पत्ता गोभी, बारीक कटी हुई गोभी होनी चाहिए। और इसके साथ इसमें हमने डाले टमाटर, और अब इसमें हमने डाल देने धनिया और पुदीने के पत्तियाँ, सारी आपने डालनी है। और इसके साथ जितने हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे, इसमें इंग्रेडिएंट्स वैसे ही कम है तो झटपट से बन के रेडी होती है चाट। और अब हमने इसे कर लेना है थोड़ा सा मिक्सअप, और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दही वाली चटनी सारी, और इसके साथ इसके ऊपर मैं डाल दूंगी इमली की चटनी। इसका जो टेस्ट है ना ये बहुत ही अमेजिंग बनता है। और इस पे अब हमने डाल देनी है पापड़ी, आपने हाथों से अच्छे से क्रश करके पापड़ी सारी इस पे ऐड करनी है। और लीजिए जी, ये जो हमारी चाट है ना मज़ेदार सी ये हो चुकी है रेडी। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो, ये खाने में भी बहुत मज़े की है, बहुत ईजी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अपने दुआ में याद रखिएगा, नई रेसिपी दोबारा लेकर आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।